वाहिगुरु जी राग गौड़ी ग्वारेरी महला पहला चौपदे दुपदे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद भौ मुच भारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल सिर धर चलिए सहिए पार नदरी करमी गुर विचार पै बिन कोई ना लंगस पार पौ राख्या भाए सवार रहाओ पै तन अग्न पखै पै नाल पै पौ घड़िया शब्द सवार पै बिन घाड़त कच्चन कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाओ सहस सियाणप पवै न ताओ नानक मनमुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दुआओ बुद्धि बाजी उपजै चाओ सहस सियाणप पवै न ताओ नानक मनमुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दुआओ भौ मुच भारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल कृपा देख जाने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच सजी हुई इंटरनेट दे राहीं अते रेडियो हम सफर गीत संगीत दे राहीं दूर दराडे देशां विच कथा श्रवण कर रहे गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन पवित्र दो पहले राग संपूर्ण होए ने तीसरा राग अंग 151 ते सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे ने पावन पवित्र उपदेश राग गौड़ी ग्वारेरी महला पहला। सो इस तरीके दे नाल एक गौड़ी राग प्रारंभ होया है। गौड़ी ग्वारेरी इस वास्ते लिखिया क्योंकि गौड़ी नौ प्रकार दी है। गौड़ी ग्वारेरी इहदी पहली जाति है, दूसरी गौड़ी दक्षणी, तीसरी गौड़ी चेती, चौथी है गौड़ी पूर्वी, पंजवीं गौड़ी माझ, छेवीं है गौड़ी मालवा, सत्तवीं है गौड़ी बैरागण, अठवीं गौड़ी दीपकी, नौवीं है गौड़ी माला। सो गौड़ी माला संगीत रत्नाकर विच लिखिया सुधा गीत, भिन्ना गीत, गौड़ी गीत,
बैसरा गीत सधारणी गीत इन्हां पंजां गीतां विचों तीजा गौड़ी गीत है। गौड़ी गीत दा रूप इस प्रकार लिखिया है, जिथे राग दे सुर इको जे उचारण होण ते मन नूं बड़े प्यारे लगदे होण अते गौड़ विदेश विच प्रसिद्ध भी होण उहनूं गौड़ी गीत कहिंदे ने। सो नाद विनोद ग्रंथ विच इह लिखिया है कि गौड़ी श्री राग की रागनी है, जिमें कि रागमाला विच लिखिया है, बैरारी करनाटी धरी गवरी गावह आसावरी, गवरी तो भाव गौड़ी। सो पाठ आसा वरी नहीं करना, आसावरी आसावरी, तो इस तरह आसा वरी पाठ कह के नहीं करना। ये राग का टाइम की है, ये दिन के तीजे पहर गाई जाती गौड़ी। सो वाहिगुरु के सिमरन नाल इहदे गाउण की सफलता है। सतगुरु फरमाउंदे हन आप, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। ये तीजे पहर तो भाव दुपहरे 12 तो 3 बजे तक इहदा समां गौड़ी राग का। सतगुरु महाराज जी बख्शिश कर रहे ने साडे उत्ते। महला पहला, गुरु नानक देव जी महाराज चौ पदे चार पौड़ियां वाले, इस तरह शब्द अते दो पदयां वाला। सतगुरु महाराज उच्चारण कर रहे ने दो प्रकार के शब्द ने, एक ओंकार, ओ अंकार जो परमात्मा का नाम है वाहिगुरु, ओंकार जो उच्चारण मात्र से ही रक्षा करता है, जो केवल इको एक है, ओंकार सतनाम। एक ओंकार ही सतनाम है, इहदा ही नाम सच्चा है संसार विच तिन्ना लोकां विच। क्योंकि कोई समा आउंदा जदों महापरलो आउंदी है, उदों कुछ भी नहीं बाकी बचदा, सब कुछ खत्म हो जाता। इस करके सतगुरु कहने यही केवल सत नाम, सच्चा नाम केवल एक ओंकार वाहिगुरु है। एक ओंकार करता पुरख है, सृष्टि का करता कौन है? ओंकार कह के सृष्टि की रचना की परमात्मा ने। पुरख जो पूर्ण है, सो आद पुरख, सत पुरख, सो पुरख, बहुत सारे नाम ऐसे लए ने। निरभौ एक ओंकार निरभौ स्वरूप है, जिन्हों किसी तो भी डर नहीं। निरवैर एक ओंकार जी निरवैर हैं, क्योंकि हरेक विच उन्हां दी अपनी अंश होण करके दूजा जदों है ही नहीं किसी विच, आप ही बैठे ने सारे अंदर, इस करके वह निरवैर हैं। अकाल मूरत, सो इस तरह ओंकार परमात्मा जो केवल इको एक है, वह काल तो रहत मूर्त हुंदी हस्ती है। सो गुरमूरत अकाल मूरत, इस तरह बहुत सारे इस तरह महाराज ने वरतों की अखरां दी। सफल दर्शना काल मूर्त प्रभ हैपी होनहारा अजूनी, वाहिगुरु जी आप अजूनिया च नहीं आते, सह भंग सुते सिद्धि प्रकाश ने अपने आप तो, उन्होंने किसी तो प्रकाश लैण की जरूरत नहीं है। गुरप्रसाद गुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा ही उन्हां दी प्राप्ति हुंदी है। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह महामंत्र उचारण किया। जिथे महामंत्र आउंदा उत्थे अगे एका नहीं लाउंदे, शुरू विच मूल मंत्र लिखिया उत्थे जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच करके फिर एका लाया अगे। जदों किते हिंसा ना लग्या होवे, एका ना लग्या होवे दूगा, उत्थे संपूर्णता नहीं मन्नी जांदी। संपूर्णता इहदी तां हुंदी आ जदों अगे शब्द नाल सारा पढ़ीए। सो इस करके इहनूं महामंत्र कहिंदे ने। सतगुरु महाराज जी बख्शिश करदे ने साडे उत्ते, इह जिहड़े पहले दो शब्द ने गुरु नानक देव जी ने कौडे राक्षस प्रति उच्चारण कीते सी। कौडे राक्षस की कथा हले रात ही आपां श्रवण की है। सो इस तरह
जिस वेले गुरु साहब जी प्रेम की खिच दे खिचे हुए राजे शिवनाभ नूं उपदेश दे के संगलादीप तो तुर के त्रिया राज तो लंघ दे अगे तुरे जा रहे सी, उस वेले रस्ते च भाई मरदाने ने कहा, मेरा मन बड़ा उदास है, आप जी की आग्या होवे तां मैं अपने घर चलिया जावां। महाराज सच्चे पातशाह ने कहा, राह च बड़ी भारी बला है, किधरे तैनू खा ना जावे, इस करके तू इत्थे रह। महाराज ने बचन किया, श्री गुरु कहन जाहो अब गैल विखे जे बुलाए, को पछन तुझको करा रहा हो संग सुख पाए। प्रेरिया तो सतगुरु ने आप ही सी उहदे मन नूं, उहदे मन दे अंदर परिवार का मोह पैदा कर दिता। मोह पैदा होण करके वह परिवार वल नूं मन खिच खांदा सी। फिर सतगुरु महाराज ने कहा, तेरा मन क्यों उदास होया, साडे नाल रहण करके तैनूं की दुख है, देख तैनूं सारी धरती की सैर करवा रहे हैं। इस तरह नाल बहुत धीरता दे बचन कहने, पर फिर भी भाई मरदाना ना मन्निया। तां गुरु साहब ने भाई बाले नूं कहा, तू समझा जे तेरे आखे लग जे। उस वेले भाई बाले ने बड़ा समझाया कि भागां नाल तैनूं सतगुरु जी का संघ मिलिया, एक ओंकार आप आए हुए ने, ये पारस रूप नूं संघ त्याग के तू कच खरीदन क्यों जाना, कच नाल क्यों प्रेम करदा। गुरु नानक देव जी का संग अमृत वांगू सुखदाई है, घर के संबंधियों का संग व्यो वांगू दुखदाई हुंदा। इनियां गल्लां सुन के मरदाने ने एक ना मनी। महाराज सच्चे पातशाह नूं छड्ड के मरदाना कल्ला ही उठ के घर वल तुर पिया। चलदियां चलदियां 11 कोह ते पहुंचिया, जदों तां कौडे राक्ष ने फड़ के कोल बिठा लिया, बन लिया उत्थे मन नूं, अते तेल दा कड़ाहा गर्म करना शुरू करता। उस वेले भाई मरदाने का रंग उड गया, मूँह पीला हो गया, बुल सुक गए, थर थर कंबण लग्या, मन च विचारन लग्या कि गुरु साहब का हुक्म नहीं मैं मन्निया, इस करके मेरा यह हाल होया। चलो जे कि मेरे को गलती हो गई, अपराध हो गया, तां भी सतगुरु का बिरद है, कृपालू ने मेरी सहायता करनगे। तो इस तरह कहिंदे ने, यद्यप कीनो मैं अपराधा, अह यथार्थ मोको वाधा, तदप कृपाल बिरद तिन केरा है, पै काटेंगे श्री प्रभ मेरा। रात भी आप यही प्रसंग सुनिया सी कि किस प्रकार फिर बेनतियां करन लग पिया। जिस वेले मरदाने ने ध्यान धार के बेनतियां कीतियां, उसी वेले गुरु साहब ने भाई बाले नूं कहा, मरदाने नूं तां भाई राक्षस ने फड़ लिया, हुण तेल कड़ाहा तपा रहा तो उहदे विच पावेगा। भाई बाले ने कहा, गुरु जी आप का वचन किवें निष्फल हो सकता, आप जी ने बथेरा कहा सी ना जा ना जा। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, चल भाई बाले आ नाल लै दी लज्जा है, आपां उहदा काम भी करना है, सानू भी उहदे ताईं बहुत काम है। बाले ने पुछया, उह किन्नी क दूर है? गुरु महाराज ने कहा, इत्थों 11 कोह है। इस तरह कह के अपने हथ विच उहदा हथ फड़ के मिंटां च ही उत्थे पहुंच गए। भाव मिंट तां ज्यादे आ, सकिंट भी ज्यादे आ, हाथ फड़दे ही छिन च अखा बंद करा के उत्थे हाजिर हो गए। महाराज ने जाके पुछया, क्यों बैठा है, हुण घर नहीं जांदा? सतगुरु नूं सिर्फ मरदाना देख सकदा सी, कौडे राक्षस नूं देखदे नहीं सन महाराज सच्चे पातशाह। सो यह गल सुन के शर्मसार हो के मूँह नीवा पा लिया, अंदरों बड़ा खुश होया कि हुण मैनूं बचा लैणगे। जिस वेले तेल अग वांगू तप गया तां उस विच पाउण वास्ते कौडे ने मरदाने नूं चुकिया, तां मरदाना खिघिया के बोलिया, धन गुरु नानक देव जी मैनू बचा लो मेरी रख्या करो। महाराज ने अपना बिरद संभाल के यही जी दृष्टि पाई कि तत्ता कड़ाहा बर्फ वांगू शीतल हो गया। उस वेले कड़ाहा शीतल होया तां कौडा हैरान होके इधर उधर वेखदा, जदों पिछे महाराज नूं खड़िया वेख्या, कहण लग्या, को है तू कहते चल आयो, तप्त कड़ाहा जिन शीतल आयो। महाराज सच्चे पातशाह ने कहा, कौडिया इहदे खाण विच देर क्यों लाई, खा लैंदा। कौडे ने कहा, मैनू परमेशर का डर नहीं, डर है नहीं तो तुहानू भी खा जाना सी। ये गल सुन के महाराज ने, जदों कौडे ने सुनिया मेरा नाम लेता, ये तो मैनू जानदे ने, फिर शीशा चुक लिया अंदरों, फिर उस महाराज नूं देखिया। इहदे गुरु ने कहा सी, जिहदी शकल शीशे विच उही जिही दिखूगी जिहा जिहा उह है, फिर तां समझ गुरु नानक ही है। ते जे उहदा पिछला जन्म दिखूगा, कोई पशु दिखूगा विच, कोई होर दिखू, कुछ होर, फिर समझ लई भी यह गुरु नानक नहीं है। फिर उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह चरनी पै गया। फिर महाराज सच्चे पातशाह नूं पहला इन्हें बथेरा कहा कि मैं डरदा परमेश्वर तों। महाराज ने हुण उहनूं सही उपदेश दिता,
कहने भाई परमात्मा तो हमेशा इंसान डरदा है और डर धारण भी करना चाहिए। डर के संबंध में शब्द बख्शिया सो ये सारे शब्द में डर का ही कथन किया है कि डर की चीज है। कई मनुखों को बहुत डर लगता होंगे, वो कहेंगे मैं डर बड़ा लगता, जे डर लगे तो यह जे शब्द पढ़ लेने चाहिए ने, सतगुरु के नाल डर दूर कर देंगे ने। पाओ मुच भारा वड्डा तोल, मन मत हौली बोले बोल। वाहिगुरु का भय धारना मुच मुच हुंदा बहुत भारी है, अते उहदा तोल जिहड़ा विचार करना भी बहुत वड्डा है, क्योंकि जीव दे मन दी जिहड़ी मत्ती हौली, यह हौली मत वाला जीव है, तुच्छ जिहा है यह जीव जिहड़ा है, तुच्छ ही बोलां नूं बोलदा है। पाओ मुच भारा वड्डा तोल, परमात्मा का भय धारना मुच हुंदा बहुत भारी है, अते उहदा तोल जिहड़ा विचार करना भी बहुत वड्डा है। जीवां दे मन दी मत्ती हौली है, मत हौली बोले बोल, तुच्छ जी मत है ते तुच्छ जे बोलां नूं जीव बोलदा। ये जीव परमेश्वर दा भय किवें धारण कर सकदा है, कृपा करके आप दसो। कौडे राक्षस ने बेनती कीती, सो महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करके फरमाउंदे ने, सिर धर चली है सही है पार, नदरी करमी गुर विचार। सो पहला चाहिदा करमी जो जीव है ना, जीव दे अपने कर्म चंगे होण, तां नदरी जो परमेश्वर दी करमी कृपा दृष्टि हुंदी है। परमेश्वर दी कृपा दृष्टि होण करके गुरां दी प्राप्ति हुंदी है। जद नदरी तो भाव गुरां दी करमी हुंदी कृपा दृष्टि होई, तां सत असत दा विचार प्राप्त हुंदा। नदरी करमी गुर विचार, जदों विचार प्राप्त होया तां जीव अपने सिर उत्ते परमेश्वर दे डर रूपी भार नूं धार के सहार चलदा है। सिर धर चली है सही है भार। सो इस तरह नदरी करमी गुर विचार दे विच्चों ही सारा कुछ लै लेना। करमी हुंदा जीव, जीव दे अपने कर्म चंगे होण तां नदरी है परमेश्वर दी करमी, फिर अगे कृपा दृष्टि हुंदी है। इक्को ही पंक्ति विच किन्ने अंतरी भाव निकले आउंदे ने, कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने करके गुरां की प्राप्ति होंदी है। जब नदरी कौन है, फिर गुरां की करमी कृपा दृष्टि हुई तो सत ते असत दा जिहड़ा गुर विचार है प्राप्त हुंदा। जदों विचार प्राप्त होया फिर सिर धर चली है सही है भार। यह जीव अपने सिर उत्ते परमेश्वर के खौफ रूपी भार नूं धार के सहार के चलदा। इस तरह जिहड़ी अर्थ की विचार हुंदी है, ये अंतरी भाव दे विच भी है, क्योंकि असल विच नदरी करमी दोनों का नाम ही है। नदरी परमात्मा भी है, जब ओदी नदर नदरी दी हुंदी है तां नदरी सतगुर पाई है। जदों नदरी सतगुरु मिलते ने तां करमी हुंदा जिहड़ा जीव, कर्म करन वाला करमी हुंदा बख्शिश, फिर जीव दे उत्ते बख्शिश हुंदी, तां गुरां दे शब्द दी जिहड़ी विचार है ये जीव नूं प्राप्त हुंदी है। जे परमेश्वर दा डर बंदा धारण कर लवे तां उह तर जांदा, जे बंदा दुनियावी डर झूठे डरां नूं धारे तां उह तरदा नहीं है। भै बिन कोए ना लंघ सपार, भै पौ राखिया भाए सवार रहाओ। हुण परमेश्वर दे खौफ तों बिना, उहदे डर तों बिना कोई बंदा संसार तों पार नहीं लंघ सकदा। जिन्हां ने परमेश्वर दा डर अपने मन दे अंदर बसा लिया है, जिन्हां नूं परमेश्वर दा भौ होया है, उन्होंने प्रेम नूं सवार रखिया अपने अंदर, प्रेम पूर्वक अपने अंतःकरण नूं परमात्मा दे डर दे अंदर प्रेम नाल सवारिया होया, क्योंकि डर तों बिना प्रेम पैदा नहीं हुंदा हिरदे च। जदों आपां डरदे ही नहीं उहदे तों, फिर प्रेम नहीं पैदा हुंदा। पहलां मन दे अंदर परमेश्वर दा डर भी दो तरह दा हुंदा, एक तां एवें नेरे च डरी जाणा, एक ऊंई डरी जाणा। यह भय परलोक भय, ये सारे प्रकार के डरां तो डरी जाना। एक डर हुंदा ये मैला डर है, चोर नूं जिवें पुलिस का डर है, वह मैला डर है कि माड़ा कम करके आया। इस प्रकार होर कई प्रकार के मैले डर हुंदे ने, गलती करके फिर डर लगना।
एक हुंदा है माता पिता का डर, वैसे ही बच्चे डरते होंगे ने माता पिता तो गलती नहीं करते, माता पिता सिर ते बैठे रहन, न्याणे चंगे भले पढ़ते रहते ने, वह निर्मल डर हुंदा। एक वो डर हुंदा चोर का डाकू का मैनू मार ना दे, दूजा डर मैला डर भी मेरा उत्ते ना कुछ डिग पे, कोई राज ना गड्डी बज जे, कोई ए ना हो जे, ये डर मौत का डर, मौत का डर, मरण का डर, यह पै परलोक पै, ये सारे प्रकार के इथों का डर, परलोक का डर, सारे तरह के डर होंगे ने मन के अंदर। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जे परमात्मा का डर रखे तो परमात्मा नाल प्यार पैदा होंदा, पर जे दुनियावी डर रखे तो उत्थे प्यार नहीं पैदा होंदा। इस तरह माता पिता के डर नाल तो प्यार पैदा होंदा, पर जे बंदा किसी माड़े पुरख नूं कहे कि मैं तेरे नाल प्यार भी करदा तां डरदा होया, उत्थे वह गल नहीं बनती, क्योंकि प्यार उत्थे हुंदा जिथे माड़े अंसर नाल प्यार करन तो खतरा ही खतरा है, उत्थे प्यार बनता ही नहीं। पर जे चंगे पुरश नाल उह तो डर धारण करके सुते सिद्धी प्रेम पैदा हो जाता कि उन्हें कहना तो कुछ नहीं। असल विच ये भी निर्मल डर हुंदा, ऐसा डर मन दे अंदर खड़ा हो जाना कि ये किन्ने चंगे ने, किन्ने वड्डे ने, ते असी कहे जे हैं, यों डरना कि मैथों कोई गलती ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए, कोई माड़ा ना बोलिया जाए, इस तरह का मन के अंदर भय रखना परमात्मा नूं हाजर नाजर जान के, ये वाहिगुरु साहिब कोई गलत गल ना हो जाए जी, मेहर रखियो साढ़े ते, प्यार पैदा हो जाना रहा। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, भय तन अगन भगै भय नाल, भय पौ घड़िया शब्द सवार। जिहड़ा अपना शरीर नजर आउंदा इहनूं अस्थूल शरीर कहिंदे ने, अस्थूल शरीर करके जिहड़ा भय धारना, एक एक अग्नि है मन नूं। दो तरह का हुण सतगुरु डर दसदे ने भी, एक तां डर नाल शरीर ही सुंगड़ जांदा, मन दे नाल जो भय धारना यह एक नाल है, बाहरला शरीर तो मन नूं एक अग्नि बनाती, मन दे नाल भय धारना एक नाल बना दिती, लोहे का पाइप हुंदा जिवें नाल कहिंदे नूं। इस करके शरीर विच जो भय रूपी अग्नि है वह भखै तो भाव प्रज्वलित हुंदी, चंगी तरह बलदी है, क्योंकि मन विच भय होवे तां ही शरीर विच डर रहिंदा है। परमेश्वर दे भय भौ होण करके ही शब्द बाणी का सवारना घड़िया जाता है, भाव बाणी जिहड़ी आ सफा हो जाती बंदे दी, अपनी बोली भी ठीक हो जाती है। शब्द जो ब्रह्म का सवरना घड़िया जाता वह ब्रह्म की प्राप्ति होंगी, उहदे विच भय भौ घड़िया शब्द सवार। भय बिन काड़त कच्चन कच, अंधा सच्चा अंधी सट। परमेश्वर दे भय तो बिना जो भी संसारक काड़त है, शुभ गुणा रूपी काड़त है, वह विशेष करके कच्चियां तो कच्ची है, अथवा कहिंदे ने कच निकच, कच्चियां तो भी कच्ची है। दो ही पाठ ने, जां तां कच्चन कच हो जाता जां कच निकच हो जाता, बहुलता करके कच निकच करते ने, तो टकसाल दे विच कच्चन कच कराया जाता। इस तरह जिहदा अंतकरण रूपी सो संचा जो है अन्ना है, अंधा सच्चा अंधी सट, जिहदा अंतकरण रूपी संचा अंधा है उहनू गुरां दी सिक्ख्या रूपी सट भी अंधी वजदी है, क्योंकि कबीर साचा सतगुरु क्या करै जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लागे ज्यों बांस बजाई है फूक। जिस गुरु का अपना अंतकरण रूपी संचा अंधा है उहदी सिक्ख्या रूपी सट भी अन्नी हुंदी है, क्योंकि वह तो आप ही नहीं बेचारा ठीक, जिहड़ा गुरु आप ही गलत है वह अपने चेलियां नूं सही सिक्ख्या की दे सकदा। अंधा सच्चा अंधी सट, इस करके उहदी सिक्ख्या भी उहनां दे उत्ते चंगा असर नहीं पाउंदी है, क्योंकि आम तौर पर जे किसी कोई पुछे अणजाण बंदे नूं जिहदा गुरु अणजाण है, वह कहिंदा ये चीज़ां हुंदियां ही नहीं, आ नहीं हुंदा, ए नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हूं आप नूं नहीं पता हुंदा। इस करके वह फिर की करदा, अपने सेवकां नूं गलत मार्ग उत्ते ही पा दिंदा, जिहड़ी सही नॉलेज है वह नहीं देनी उन्हें, क्योंकि उन्हूं आप नूं नहीं है।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਉੱਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨਾ ਤਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਪਜੈ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਤੌ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜਾ ਚਾਓ, ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜਾ ਚਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਲਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ ਬਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ। ਪਿੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਘਿਓ ਕਰ ਕਸਰਤ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜਾ ਚਾਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਵਾਓ, ਅੰਧਾ ਅੱਖਰ ਵਾਓ ਦਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਅੱਖਰ ਵਾਓ ਦਵਾਓ, ਅੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਓ ਬਦਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਅਤੇ ਬਦਸੀਸ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।